हेलो, गुड आफ्टरनून SYB कॉम स्टूडेंट। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। ओके, शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? यस ओके। मैम। व्हिच वाज द लास्ट पॉइंट लास्ट टाइम इन द लास्ट वीक? व्हिच वाज द लास्ट पॉइंट? व्हिच वाज द लास्ट पॉइंट? नो वन केयर्स। I think that earthquake was the last point. Earthquake. Vedanti. Vedanti. हे झाले मॅम, झालंय ना? ओके, हे झाले, दोन पॉइंट झाले, दोन पॉइंट झालेत ना? म्हणजे अजून बाकी आहेत। स्लाइड नंबर आठवतोय का? स्लाइड नंबर कोणता होता? याच्या पुढची बघा। आता कोणता आहे स्लाइड नंबर? मला जस्ट अ मिनिट। ओके, 30 हे होतं, हे झालंय वाटतं अर्थक्वेकचं हे पॉइंट तुम्हाला झालेले हे झालेत ना? थर्टी टू स्लाइड नंबर। ओके ओके, मला एक विचारायचं आहे की लेक्चर जेव्हा घेतले जात नाही, कोणी केअर करत नाही, काय नाही, तुमच्यातले फक्त 8 किंवा 15 पोरं असतात FC लेक्चरला, पुढे तुमचा जर रिझल्ट गांडीवर लागलं तर त्याला तुम्ही जबाबदार असाल? मी नाही, कारण लेक्चर घेतले का जात नाही? ऍटलीस्ट विचारायचं, तुम्ही ही काळजी सुद्धा घेते की आपण विचारूया मॅडमला की आज का लेक्चर घेतला, काय प्रॉब्लेम आहे का, की आज का नाही घेतले लेक्चर? कोणीही केअर करत नाही, कोणीही नाही। SY आलेत की तुम्ही एकदम बिंदास झाले। मला फक्त सगळ्या टीचरला आम्हाला सगळ्यांना जाणवतोय की ऑनलाईन लेक्चर असून एवढी मेहनत केल्यानंतर पण जर तुम्ही एवढा, आम्ही तुमच्यासाठी एवढी इतकी मेहनत करतोय पण जर तुम्ही लक्ष देत नसाल तर मग आम्ही काही करू शकत नाही। त्याच्या पुढचं तुम्हाला सगळं तुम्हाला बघायला लागणार आहे, सगळं तुम्हालाच बघायला लागणार आहे। ओके, मला फक्त एवढंच म्हणा की जितकं होईल तितकं लवकरात लवकर प्रेझेंट राहा, व्यवस्थित लेक्चर अटेंड करा, नोट्स काढा तुमचे। तुम्हाला स्वतःला सोयीस्कर होईल। कधी बघा कोण हाय नाही आहे, कोण फक्त 15-20 पोरं असतात, आम्ही फक्त 15-20 पोरांना शिकवतो का? आणि त्या जर पुढचा ब्लेम कोणी मला केला तर मी अजिबात नाही ऐकून घेणार मी कोणाचं। तर तुमचं मेहनत करायची तुमची तयारी नसेल तर मग त्याच्यात माझं काहीही नाही। आम्ही इतकं मेहनत करून देतोय तुम्हाला, पण जर तुम्ही पुढे नाही मेहनत केला तर तुमचं तुम्हाला बघायला लागणार आहे। ओके, लेट इट बी। मी माझं काम होतं सांगायचं, मी माझं काम केलेलं आहे, पुढचं बघूया। ओके, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक, ओके, सो व्हॉट मेजर ऑर कंट्रोल मेजर्स, हाऊ टू कंट्रोल ऑर दॅट, जस्ट मिनिट, की डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक झालं होतं, 32 नंबर स्लाइड होती ना? ओके, कंट्रोल मेजर, की अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिझास्टर, वी कांट प्रिव्हेंट हिम, एनी नेचुरल डिझास्टर वी कांट प्रिव्हेंट हिम ऑर वी कांट प्रिव्हेंट हॅम, बट वॉट वी कॅन डू, वी कॅन डू समथिंग प्रिपेअर्डनेस, वॉट वी हॅव टू डू बिफोर वेन एवर द डिझास्टर केम, सो सम स्टेप्स वी हॅव टू टेक, सो दे आर एज फॉलो। To prevent an earthquake hazard, the building should be properly designed. कि जो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है, जिस तरह से अभी आप सभी को पता होगा कि बिल्डिंग जैसे बनाई जाती है, तो उसका बेस भी कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अर्थक्वेक में अक्षर आपको पता होगा कि अर्थक्वेक में जो ज़मीन के अंदर जो नीचे हलचल होती है और थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, इसकी वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा हिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छी तरह से होना चाहिए। डू नॉट कंस्ट्रक्ट द हाउसेस इन द हाई प्रोन एरिया, कि जहाँ पे भूकंप आने की पॉसिबिलिटी या अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे घर नहीं बनने चाहिए। इफ द बिल्डिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दैट एरिया, मेक नेसेसरी चेंजेस टू मेक इट क्विक, कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी घर बनाए गए हैं तो उसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना चेंजेस करने का कोशिश करना चाहिए। इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, मूव आउट ऑफ योर हाउस एंड कम इन द ओपन एरिया और बट डू नॉट पैनिक, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी सिचुएशन है तो हम ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक होने की वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब इस प्रकार की नेचुरल कैलिमिटीज आती है, तो भूकंप आता है, तो घर के सभी लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, ओपन एरिया में आना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स विच यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे।
do not use the lifts if you live in the high rise building. अगर आप बिल्डिंग में रहते हो और उसका थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लिखाई देता है तो हो सके तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इफ़ यू आर ड्राइविंग स्टॉप योर व्हीकल इन द ओपन एरिया, अगर आप वहाँ पे कहीं पे आप ड्राइव कर रहे हो तो ओपन एरिया में आपका व्हीकल लगा देना चाहिए, एक जगह पे लगा देना चाहिए. और जहाँ से ड्राइव करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ब्रिजेस एंड कंजेस्टेड एरिया, कि जहाँ से गर्दी वाला, हम बोलते हैं ना जैसे पतली पतली गली होती है वहाँ से हम निकलते हैं, तो वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, वहाँ से ड्राइव नहीं करना चाहिए. समझ में आया पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे का देखते हैं. इफेक्ट्स. यस मैम. यस मैम. इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ सुनामी. सुनामी क्या है? Effects and mitigation of tsunami. The word tsunami comes from the Japanese word tsunami. Harbor. Body layer रहती है वो. Harbor and wave respectively. The tsunami takes place when ocean floor shifts vertically and usually due to an earthquake. कि tsunami ये जो word आया हुआ है वो Japanese word tsunami से आया हुआ है. उसके दो words दिए ही गए हैं. वो बड़ी बड़ी लहरें होती है कि जैसे समुंदर में वर्टिकली जब उसका, हम बोलते हैं कि वर्टिकली फ्लोर शिफ्ट होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद जो थोड़ा सा जो जमीन हिलने लगता है तो उसकी लहरें ऊंचे तक जाती है, उससे हम बोलते हैं सुनामी बोलते हैं. इन द डीप वेव द सुनामी ट्रेवल्स एट द 700 किलोमीटर पर आवर. कि जैसे हम समुंदर की बात है, इन द डीप वाटर, कि जैसा पानी बहुत अंदर तक है, पानी गहरा है, गहरे पानी में सुनामी कितना किलोमीटर जा सकते हैं? एक घंटे में 700 किलोमीटर जा सकते हैं. बट इन द शैलो वाटर नियर द कॉस्ट इट गेट्स स्लोअर एंड वाटर में राइज अप टू द 50 मीटर्स. कि अगर पानी की गहराई इतनी नहीं है, शैलो वाटर है, तो वो कोस्टल एरिया के पास वहाँ पे उसकी जो लहरें होती है वो 50 मीटर तक जाती है. इट इज द वाटर वेव्स जनरेटेड बाय द डिस्टर्बेंस इन द ओशन. तो ये जो लहरें उठती हैं तो जो समुंदर में जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है अर्थक्वेक की वजह से, कि जैसा वर्टिकली फ्लो शिफ्ट होता है, उसकी वजह से लहरें भी ज़्यादा उठती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है. कंपेयर the other water waves, tsunami have long wavelength and long for a long period. कि जैसे हम जब लहरें उठती है, जब generally जैसे लहरें उठती है समुंदर में, उसका comparison हम जब सुनामी में जो लहरें आती है उसके उसके साथ किया जाए तो सुनामी की जो लहरें उठती है वो बहुत बड़ी होती है और लंबे समय तक उठती रहती है. इसे ऐसा यहाँ पे बता है, विच गिव्स द सुनामी वेव्स ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी देन द वाटर वेव्स. कि यहाँ पे ऐसे में बताया गया है कि जितना लहरें उठती हैं ओरिजिनली, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उसका हम बोलते हैं प्रपोर्शन या उसका हम जिससे डाटा निकल जैसे यहाँ पे एक बताया कि 50 मीटर तक जाती है, तो उसका जो वेव्स होता है उसकी जो लहरें होती है वो बहुत ऊँची तक जाती हैं, जिसका हम कंपैरिजन दूसरी लहरों के साथ नहीं कर सकते. अगर कंपैरिजन किया तो उसका पीरियड भी हाई होगा और उसका लेंथ भी हाई होगा. समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस मैम. दूसरा पॉइंट है, यस मैम. सुनामी सोर्सेज डिस्प्लेस द वाटर कॉलम इन द ओशंस. तो जो सुनामी क्या करती है कि जो पानी का जो स्रोत है तो उसको थोड़ा सा उस स्रोत को विस्थापित कर देती है. सुनामी की वजह से क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ तितर बितर हो जाता है, तो सुनामी की वजह से भी जो पानी की जो हम बोलते हैं पानी का जो स्रोत है या पानी का जो एक हम बोलते जो लेवल है वो सब कुछ तितर बितर हो जाता है. ग्रेविटी गन एक्ट एज टू रिस्टोर द डिस्प्लेसमेंट वाटर. उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण जो है तो उसको वो विस्थापित पानी को समुंदर में स्तंभित करने का काम करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Do you understand or not? Yes. Yes. क्या करता है ये आपका एक थोड़ा सा अलग, मैंने अच्छा वाला नोट्स दिया है, ये अलग नोट्स है, आपकी बुक में नहीं है.
ग्रेविटी क्या करता है तो गुरुत्वाकर्षण होता है, कि सुनामी क्या करता है कि सुनामी होता है ना, वो पानी का जो स्रोत है ना उसको विस्थापित कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको तितर बितर कर देता है। लेकिन बाद में ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण होता है तो पानी का जो स्तंभ होता है तो उसको समुन्द्र में स्थापित करने के लिए उसको फिर से स्थापित करने का कोशिश करता है। ओके, द वेव इज जनरेटेड दैट ट्रैवल्स एंड एक्सपांडिंग रिंग अक्रॉस द ओशन सरफेस, कि जो समुन्द्र की जो लहरें होती है तो समुन्द्र की लहरें वो समुन्द्र की सतह पर कैसे चलती है कि एक रिंग अक्रॉस की तरह, एक अंगूठी की तरह वो उठती रहती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Do you understand yes, or ma'am. Not? Yes, ma'am. Okay. आगे देखते हैं। Tsunami can stretch the coast of sand, uproot the trees, wipe out the coastal area. तो सुनामी की वजह से क्या होता है कि सुनामी की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरे जड़ से निकल जाते हैं, फिर जो कोस्टल एरिया होता है वो भी उसको थोड़ा सा नहीं बहुत सारा उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन ट्रैवलिंग द 100 meters इनलैंड इट कैन फ्लड द कोस्टल टाउन, कि जैसे हमने आगे के पॉइंट में देखा 1 घंटे में उसकी रफ्तार होती है 700 किलोमीटर, कि अगर डीप वाटर हो तो डीप वाटर में कि पानी की गहराई ज़्यादा हो तो सुनामी की जो रफ्तार होती है वो 700 किलोमीटर 1 घंटे में रहती है। तो उसके हिसाब से अगर कोस्टल एरिया के पास जो पानी की गहराई ज़्यादा हो तो वो पूरे कोस्टल एरिया को कवर करती है। तो सुनामी राइड द वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द इंडियन ओशन ऑन द December 26, 2004, कि इंडिया में 26 दिसंबर 2004 में एक ऐसा सुनामी आया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा पर्टिकुलर एरिया, हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया। इट वॉज क्रिएटेड बाय अंडर सी डिस्टर्बेंस ऑफ 8.9 magnitude अर्थक्वेक जस्ट एज द नॉर्दर्न ट्रिप ऑफ इंडोनेशिया आइसलैंड और सुमात्रा। तो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइसलैंड, इंडोनेशिया में ये सुमात्रा आइसलैंड आया हुआ है उसके जब कंपैरिजन किया गया तो भारत में जब सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, उस टाइम उसका जो रेट था, मीन्स उसका जो हाई लेवल का जो हम बोलते लेंथ था वो कितना था, 8.9 magnitude था, कि भूकंप ये आया था इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड में भूकंप का आया था, वो था 8.9 magnitude। तो इसके हिसाब से जब भारत में सुनामी आया 2004 को 26 दिसंबर को तो उसका लेवल ज़्यादा था। ओके, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, आगे देखते हैं। यस मैम। कंट्रोल मेजर ऑफ सुनामी, अभी सुनामी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोल मेजर, सुनामी एज अ नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, उसको रोका नहीं जा सकता। कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ टू फेस ऑन स्लॉट, कि उसको किस तरह से फेस करना है वो हमको खुद तय करना है। बिफोर सुनामी हिट्स द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द सुनामी एरिया, जैसे हाई प्रोन एरिया होता है कि जहाँ सुनामी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है तो वो होता है कोस्टल एरिया, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, then next point is in tsunami prone area people should be aware of the height of the location above the sea level, ki coastal area mein coastal area mein jo pure samundar ke jitne jaldi jitna paar ghar hota hai utna wahan pe destroy hone ka wo area destroy hone ka khatra zyada rehta hai, to samundar ke paas ka jo location hai us pe high level ki location pe unke ghar hone chahiye। the distance of the location from the coast, उसका जो हम बोलते हैं समुंदर का और जो घर का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, पूरे समुंदर के घर समुंदर के पास कभी भी घर नहीं बांधने चाहिए। देन इवैक्यूएशन रूट शुड बी प्लान बिफोर हैंड टू अवॉइड इवेंचुअली, तो इवैक्यूएशन रूट्स होते हैं उसको भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि हम ये जो हम बोलते हैं कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उसको उसका जो खतरा बढ़ता जाता है उसको हम कम कर सकते हैं, इसके लिए इवैक्यूएशन प्लान्स वहाँ पे बनाना
चाहिए, वो प्रिपेयर करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एज एंड व्हेन सुनामी वार्निंग इज साउंडेड द होल फैमिली अलोंग विद द कैटल्स पैड शुड मूव आउट टू द सेफर एरिया. कि जब आपको सुनामी का वार्निंग दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में, तो अपने कैटल के साथ, पैट एनिमल्स के साथ सभी को घर से बाहर निकलना चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, आप क्या देखते हैं? Those staying on the ground floor should move to the upper floor of the high storage building. तो जैसे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे संभावना ज़्यादा रहती है, तो उनको वो फ्लोर छोड़ के ऊपर के फ्लोर में जाना चाहिए. ये पॉइंट ईजी है. अभी इवेक्यूशन रूट्स मीन्स हम क्या बोलते हैं कि जो इवेक्यूशन रूट्स मीन्स जो प्रोसेस और द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इवेक्यूटिंग समथिंग डिस्चार्ज. ओके, कि वो जो रूट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे नदी नाले का पानी नदी नाले के लिए जो से रास्ता बनाया जाता है, जैसे इवेक्यूशन, वैसे ही इवेक्यूशन रूट्स भी वहाँ पे प्लान होना चाहिए कि कहाँ से ये जा सकता है. फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे जो साइक्लोन आया था, सुनामी नहीं आया था, साइक्लोन आया था, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर, हम बोलते हैं कि उसका पर्टिकुलर कोई रेंज होगा, किस रेंज में होगा ये बता सकते हैं, या किस तरफ से आएगा ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं? बता सकते हैं? यस और नो? यस और नो? नो. उसका हम इवेंचुअली उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से क्या करना चाहिए, जो थोड़ा सा आगे से हम प्रिपेयर होना चाहिए हर एक डिजास्टर में. आगे का देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डिजास्टर सप्लाई किट शुड बी कैरीड अलोंग इन द केस ऑफ इमरजेंसी. तो कोई भी डिजास्टर हो तो डिजास्टर किट सप्लाई होना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स दैट लीड टू द ओशंस अदर लो लाइंग कोस्टल एरिया. कि जहाँ पे नदी है, जहाँ पे तालाब है, तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी होता है कि वो नदी का पानी, वो तालाब का पानी डायरेक्टली कैसे जाता है, समुंदर में जाता है. ओके, लो लाइंग कोस्टल एरिया में जाता है. देन यूज द लोकल रेडियो और द टीवी चैनल फॉर अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अथॉरिटीज. तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि रूमर्स पे, ना कि अफवाहों पे ध्यान देना चाहिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम हमको रेडियो और टीवी इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल सके. समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next point is, there were series of aftershocks creating mammoth waves the coastal area of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Pondicherry. यहाँ पे आपको example दे कि Andhra Pradesh, Pondicherry, Kerala और Tamil Nadu में mammoth waves, jumbo waves, उससे भी बड़ा, सबसे बड़े लहरें, ऐसे सुनामी आ चुके थे, जिसकी वजह से कि जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था. ऐसे केसेस यहाँ पे आ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल आपके ये चैप्टर में जो डिजास्टर दिया है, तो उसमें आपको केस स्टडी भी दिया है कि हर एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे आपको, जैसे अभी आपने पढ़ा कि जैसे मैंने अभी पढ़ा 26 दिसंबर को 2004 में जो इंडिया में सुनामी आया था, वो कौन से लोकेशन में आया, कौन से राज्य में आया था, वो एक केस स्टडी हो सकता है. तो इसकी वजह से आपको ये जल्दी से समझ में आएगा. अंडमान और निकोबार आइसलैंड विच आर जस्ट 150 नॉटिकल माइल्स ऑफ सुमात्रा एंड कैंपबेल बे वर द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया. तो ये अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है, ये आपने शायद, आपको पता होगा, ये भी एक आइलैंड है. और सुमात्रा में मैंने जैसे अभी बोला, सुमात्रा ये कहाँ पे आया हुआ है, सुमात्रा ये कहाँ पे आया हुआ है, सुमात्रा ये कहाँ पे आया हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कहाँ पे आया हुआ है सुमात्रा. आगे का देखिए स्लाइड, इसमें दिखाई देगा शायद आपको, देखिए ये दिखाई दे रहा है नीचे, ये नीचे भी दिखाई दे रहा है, इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम.
ओके, तो ये जो सुमात्रा आइलैंड है वो इंडोनेशिया में आया हुआ है, तो ये वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है कि कभी भी जब भी सुनामी आता है तो वो इतना खराब हो जाता है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा लहरें, उतना ज्यादा पानी बढ़ जाता है पानी का लेवल कि वहाँ पे कुछ भी तुरंत ठीक नहीं हो सकता। तो उसके कंपैरिजन में जहाँ पे ये हम जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है तो वो वहाँ से कितना दूरी पे है, तो 150 माइल्स दूरी पर है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सुनामी का एक घंटे का रफ्तार 700 किलोमीटर, तो उसकी वजह से ये 115 किलोमीटर उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका कहने का मतलब ऐसा है, समझ में आया? द 1000 पीपल वर किल्ड बाय द मैसिव सुनामी इन इंडिया। जो सुनामी में, सुनामी आया था 2004 में 26 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। डू अंडरस्टैंड? ये सिंपल वाला पॉइंट है। डू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ओके, आगे का ये देखिए, ये रियल इमेज है कि सुनामी किस तरह से आता है। दिस इज द रियल इमेज ऑफ सुनामी। ये आपको शायद समझ में आता होगा कि देखिए यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, ये कोस्टल, ये समुंदर है, यहाँ से पानी कितनी, इसकी लहरें कैसी होती है, तो शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा आया होगा। ओके, अगले का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लड। जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, अभी ये फ्लड, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ फ्लड। द फ्लड अकर्स व्हेन वाटर फ्लोज अबोव एंड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल साइज और ऑन कोर्स। उसका मतलब होता है कि जो पानी का लेवल होता है, कि सुनामी और फ्लड एक जैसा नहीं है, दिखते एक जैसा है लेकिन वो एक जैसा नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल उसमें भी पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है सुनामी में, और फ्लड में भी पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो सुनामी का, सॉरी फ्लड को हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल साइज रहता है, पानी का जो लेवल रहता है, तो उससे ज़्यादा जब उसको बढ़ जाता है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। तो व्हेन दिस वाटर स्प्रेड आउट ओवर द फ्लड प्लेन, इट बिकम द नेचुरल डिजास्टर। इट इज द लॉन्ग फ्लैट एरिया ऑफ द लैंड अलॉन्ग आइदर साइड ऑफ मेड ऑफ सॉइल डिपोजिट कैरिड बाय द रिवर वाटर। कि ये जो फ्लड आता है तो ये पर्टिकुलर जो प्लेन एरिया होता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जिस घर में रह रहे हैं या फ्लड आता है तो ये प्लेन एरिया में आपको दिखाई देता है। तो ये कहाँ से आता है कि जो पानी का जो लेवल जैसे बढ़ता जाता है, कि नदी नाले का जैसा पानी का लेवल बढ़ता जाता है, वो पूरा का पूरा पानी वो कहाँ से मिट्टी के हर एक कण को खींच के वहाँ पे लैंड एरिया में लाया जाता है। जैसे फ्लड बढ़ता जाता है, फ्लड का लेवल बढ़ता जाता है वैसा। ओके, दिस इज कॉज्ड बाय रेन वाटर और मेल्टिंग द आइस ड्रेनिंग इनटू द रिवर फास्टर देन द रिवर कैन डिस्चार्ज द वाटर इनटू द सी। कि जैसे फॉर एग्जांपल बारिश जब होती है तो नदी नाले में या समुंदर में पानी का लेवल कैसा हो जाता है, पानी का लेवल कैसे हो जाता है नदी नाले में, और कैसे होता है, बढ़ जाता है। और मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे ज्यादा हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल जहाँ हिमस्खलन की बात करते हैं, हिमस्खलन मीन्स जहाँ पे बर्फीला पहाड़ होता है और गर्मी की वजह से वो बर्फ भी जब पिघलने लगता है तो वो पानी में ट्रांसफर होता है, और वो पानी कहाँ पे मिलता है, रिवर में और समुंदर में मिलता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। Caused by the rain water and or melting the ice draining into the river faster than the river can discharge the water into the sea. The amount of water that river can hold before the flood is known as the channel capacity. कि फ्लड आने से पहले, बाढ़ आने से पहले जो नदियाँ पानी का लेवल संभाल सकती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल कैपेसिटी। क्योंकि उसका एक बैंक होता है, बैंक में से उसका किनारा होता है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नदी बहती है उसके किनारे पे वहाँ पे वो वहीं से बहती है, कि लेकिन फ्लड आने के बाद वो किनारा कैसा हो जाता है, टूट जाता है। जैसे दीवार टूट जाती है, सब कुछ टूट जाता है, और वो आउट ऑफ
रेन हो जाता है, आउट ऑफ सोर्स हो जाता है, तो उसका पानी का लेवल कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेस ऑफ फ्लड, उसके कारण कौन से है कि क्या हो सकता है, क्यों आता है ये. द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ रिवर वैलीज एंड चैनल्स. तो वो जो चैनल्स होता है कि फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ रिवर्स मीन्स जिस तरह से उसका हम बोलते हैं चैनल, जिसका चैनल बनाया गया है कि फॉर एग्जांपल रास्ते बनाए गए हैं कि जहाँ से नदियाँ बहती हैं, कि वैलीज मीन्स खाई, तो इसकी वजह से फ्लड ज़्यादा आता है. देन नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरता है वहाँ पे फ्लड आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. देन ब्लॉकिंग ऑफ फ्री फ्लो ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ एनमरस डेब्रीज प्रोवाइडेड बाई द लैंड स्लाइड एंड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन में हमको बोलते होते जो ज्वालामुखी वगैरह होता है, तो लैंड स्लाइड होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड स्लाइड और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी फ्लड आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ द एनेबल्स डेब्रीज प्रोवाइडेड बाय द लैंड स्लाइड, कि जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या हम बोलते हैं लैंड स्लाइड की वजह से, जैसे पूरा स्थल है वहाँ पे जल, जल है वहाँ पे स्थल, इस प्रकार का कुछ हमको सिनारिया दिखाई देता है, उसकी वजह से भी फ्लड वहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. देन मैंडरिंग फोर्सेस ऑफ द रिवर. मैंडरिंग मतलब क्या, मैंडरिंग मतलब क्या, मैंडरिंग फोर्सेस ऑफ द रिवर. आपके पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं मैंडरिंग मतलब क्या, मैंडरिंग मतलब क्या. डायरेक्ट टर्न ऑफ स्ट्रीम और टर्न ऑफ स्ट्रीम और वाइंडिंग ऑफ स्ट्रीम, कि जैसे हमें हम बोलते हैं कि हवा का जो झोंका होता है उसके जो दिशा बदलती है, उसकी वजह से भी वहाँ पे फ्लड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है. कि फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोन, तो साइक्लोन जैसे आता है तो कोस्टल एरिया से आते हैं, तो और कोस्टल एरिया से घूमते घूमते ये पानी को भी लेके आगे बढ़ता है, इस तरह से हम बोलते हैं उसको मैंडरिंग फोर्सेस ऑफ द रिवर्स. देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग एक्टिविटी एंड इवेंचुअल अर्बनाइजेशन, की जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ती है, उसकी वजह से भी फ्लड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रिजर्वॉयर्स, कि रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस बनाए जाते हैं, इसकी वजह से भी फ्लड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. दूसरा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मीन्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हर जो एक प्रोसेस होता है तो वो फ्लड आने के लिए एक पॉसिबिलिटी है. देन डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जंगल तोड़ किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उस लैंड में थोड़ा सा जो चेंजेस किया जाता है उसकी वजह से भी फ्लड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस. ओके, यस. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ फ्लड. यस मैम. इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, तो फ्लड की इम्पैक्ट हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं. द फ्लड इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर कॉजिंग ह्यूज लाइफ एंड प्रॉपर्टी. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अगस्त 2000 फ्लड किल्ड द 100 पीपल एंड लेफ्ट द 70,000 होमलेस इन द आसाम अलोन. कि आसाम में 2000 में एक हम बोलते बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 100 पीपल, 100 तो कम होगा शायद, लेकिन बहुत सारे लोग मर गए और जो 70,000 जो लोग हैं वो बेघर हो गए. द एनवायरमेंटलिस्ट ब्लेम ऑन द सॉइल इरोजन, द सिल्टिंग ऑफ रिवर हेड्स एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन इन द फ्लड प्लेन्स आर द एज द कॉज ऑफ फ्लड. जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पर्यावरणवादी होते हैं, तो उन्होंने क्या रीज़न बताया, कि उसके बाद जो रिसर्च होता है उसका सर्च किया जाता है कि इसकी किस वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ्लड की ज़्यादा बढ़ गई या सुनामी की ज़्यादा बढ़ गई. तो उसकी वजह से उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि जैसे सिल्टिंग ऑफ रिवर हेड्स, कि जो सॉइल इरोजन होता है तो उसकी वजह से रिवर हेड्स का क्या होता है, सिल्टिंग होता है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, की जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता जाता है इसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. फ्लडेड एरिया गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द
रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि जहाँ पे फ्लड आ जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा एक एरिया ही अलग हो जाता है. देन इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज आर द वर्स्ट अफेक्टेड एंड नो लॉन्गर कैन टू कम बैक टू द काइंड ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग बिफोर द डिजास्टर. तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स जल सबको ही यहाँ पे जैसे बाढ़ आती है सबको ही यहाँ पे फेस करना पड़ता है. लेकिन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज है तो उनको वो ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देते हैं, कि जैसे वो बाढ़ के पहले का वो जीवन जीते थे और अभी का बाढ़ के बाद उनका जो जो जीवन तितर बितर हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा हमको डिफरेंस दिखाई देता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस यस ओके. नेक्स्ट पॉइंट कंट्रोल मेजर्स. अभी उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए. द डिले द सरफेस रन ऑफ द रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल टू द रिवर्स. दिस कैन बी अचीव बाय द लार्ज स्केल डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन द हाईली सोर्स कैचमेंट एरियाज ऑफ दिस रिवर्स. तो यहाँ पे क्या बताया, डिले द सरफेस रन ऑफ द रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल टू द रिवर्स. तो क्या बताएं यहाँ पे, कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है और जिसकी वजह से उसका पानी जिसके जिसके पास नदी वगैरह आया हुआ है, समुंदर आया है, तो उसकी वजह से वो पानी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है. तो उसके उसका ध्यान रखना चाहिए. दिस कैन बी अचीव बाय द लार्ज स्केल रिफॉरेस्टेशन. तो उसको किस तरह से संभाला जाए, और फॉरेस्टेशन हिली सोर्स कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर्स, कि वहाँ से क्या होना चाहिए. द फॉरेस्ट डिले द फॉरेस्ट डिले द आई थिंक आई कांट रीड हियर द रेन वाटर टू द रिवर्स बिकॉज दिस इंटरसेप्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एंड द लीटर्स एंड द हर्बिकियस ग्राउंड कवर्स एंड होल्ड वाटर्स. दिस एनकरेज दैट इंफ्लेशन ऑफ द रेन वाटर. तो उसका मतलब क्या हुआ, कि फॉरेस्ट डिले द रेन वाटर, कि जितना ज़्यादा पेड़ होगा, फॉरेस्ट डिले द रिटर्न रेन वाटर टू द रिवर्स, कि जितना ज़्यादा पेड़ होगा वो पानी कहाँ पे चला जाएगा, रिवर्स के पास चला जाएगा. बिकॉज दिस इंटरसेप्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एंड द लीटर्स एंड हर्बिक्यूस ग्राउंड कवर्स एंड होल्ड वाटर. तो जितना ज़्यादा जंगल होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कि जितना लिटर है कचरा बोलते हैं या हर्बिकेस ग्राउंड है, तो वो वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है. सो दिस इनकरेज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द रेन वाटर, फिल्टर करने का या इन्फिल्ट्रेशन करने का काम करता है. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फ्लड. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फ्लड स्टेज कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर्स. तो उसको रोकने के लिए इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर डिवाइसेस होते हैं, उसकी मदद से लेके ऐसा फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर्स बनाना चाहिए. द दामोदर विलेज कॉरपोरेशन DVC कंस्ट्रक्टेड फॉर डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स ऑन द डायमंड रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लड. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे कि जो दामोदर विलेज कॉरपोरेशन है वहाँ पे एक चार डैम बनाए गए, चार रिजर्वॉयर्स बनाए गए, कि जिसकी वजह से कोई फ्लड आ जाए या नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो उसको रोकने के लिए ये डैम और रिजर्वॉयर्स, फ्लड कंट्रोल रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? Do you understand? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one. The Constitution of Central Flood Control Board in 1954 and establishment of the State Flood Control Board
have adopted the various control measures. कि यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जितना हो सके सब्सिडीज देती है, इकोनॉमिकली लोगों को हेल्प करती है. तो भारतीय संविधान के हिसाब से सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापन किया गया था वो 1954 में बनाया गया था. द फ्लड डाइवर्जन सिस्टम, फ्लड डाइवर्जन सिस्टम. Flood diversion system implies the diversion of flood water into the low-lying areas. तो जो flood diversion system होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी आता है उसको divert करने का काम करता है. Gagar diversion scheme divert the water discharge of about 340 cubic meters per second before the Gagar. तो Gagar में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो घाघर में घाघर डाइवर्जन स्कीम वहाँ पे बनाया गया है कि जिसकी वजह से एक उसने क्या किया कि वहाँ पे अगर कोई बाढ़ आती है तो उसका वो पानी को डाइवर्ट करने के लिए कि जितने 340 क्यूबिक मीटर से वहाँ पे जो पानी आता है इतना पर सेकंड में इतना पानी आता है उसको डाइवर्ट करने की क्षमता वाला ऐसा सिस्टम बनाया गया है. डू यू अंडरस्टैंड यस और नो? घाघर रिवर एंड राजस्थान इन टू द डिप्रेशन एंड इन द एरिया बिटवीन द सैंड. तो जो घाघर का पानी है, जो जैसे हम बोलते हैं कि ये घाघर नदी, उसका पानी कहाँ पे राजस्थान में घुस गया था. तो वहाँ पे पहले जब बाढ़ आया था तब का बात कर रही हूँ, कि जब बाढ़ आया था तब की बात हो रही है कि राजस्थान में भी ऐसे कि ये घाघर का पानी राजस्थान की हम बोलते हैं कि सैंड एरिया में चला गया. तो उसको रोकने के लिए घाघर में एक डाइवर्जन स्कीम बनाया गया, घाघर डाइवर्जन स्कीम बनाया गया, जिसकी वजह से जो पानी का जो हम बोलते हैं फ्लो होता है या वाटर फ्लो होता है 340 क्यूबिक मीटर से पर सेकंड में आता है, तो उसको डाइवर्ट करने की क्षमता वाला वहाँ पे सिस्टम लगाया गया है. एम्बाकमेंट्स, डाइक्स, फ्लड वॉल्स आर यूज टू कन्फाइन द फ्लड वाटर विद इन द वैली. तो जो फ्लड वाटर फ्लड वॉल से वो बनाना चाहिए कि एम्बाकमेंट्स में जो नदी का किनारा होता है तो वो ठीक से बनाना चाहिए. डाइस होता है वो ठीक से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए या डिज़ाइन करना चाहिए, जिसकी वजह से फ्लड आए तो भी नुकसान न हो. समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस मैम. नेक्स्ट, just a minute. ओके, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, आप पहले सबसे पहले अभी तक जो पॉइंट पढ़ा है मैंने, क्योंकि जब आपके पास शायद नोट्स होगा तो पता चलेगा ये नोट्स थोड़े से अलग हैं, बहुत ही अच्छे हैं. जहाँ मुझको जहाँ से मिला है मैंने वहाँ पे डालने का कोशिश किया, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा नोट्स देना चाहिए. तो देखिए, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप देखिए, मैं कल ये ड्रॉट की बात करती हूँ फिर से. ड्रॉट आपने पढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन आप एक साथ इतना नहीं पढ़ाना है. जब तक अभी ये पढ़ा है फ्लड का और सुनामी का, वो देखिए पॉइंट. कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? देख रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं? देख रहे हैं या घूम रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? देख रहे हैं. देखो देखो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, देखो. बाद में आपको पीपीटी भेजती हूँ मैं.